हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे जानते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है तो चलिए आप सभी से यही एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेलाइकन पर ऑल दबा दीजिएगा और इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइएगा ताकि आपको हर रीडिंग की नोटिफिकेशन मिले शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हुए आपको मेडिटेट करना है अपने पर्सन के बारे में सोचना है और उनकी एनर्जी इसको फील करने की कोशिश करनी है चलिए शुरू करते हैं मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स बताइए कार्ड जाने शुरू हो गए हैं मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग बताइए वैनिटी फैकेट कंप्लेसेंसी बिटर स्वीट ये देखिए ये आपके पर्सन की मेजर एनर्जी है देखिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहे हैं लगता है कि इनके जो वोंड्स हैं जो इनके घाव है चाहे वो चाइल्डहुड के हों चाहे वो अडल्टड के हों पर जो भी उनके साथ कोई एक्सपीरियंस इनका बुरा रहा है या फिर कोई इनका रिलेशनशिप ठीक से चला नहीं है जिसकी वजह से इनके अंदर एक खोखलापन अधूरापन नाराज़गी और मायूसगी लग रही है मुझे ठीक है दूसरी बात ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बाहर से बहुत ओके ओके दिखाने की ऐसा क्यों हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में या फिर कोई चीज़ इन्होंने पाई है इनके साथ कोई अच्छी हुई है या फिर कोई चीज़ इनके पास है उस चीज़ को ये पर्सन हमेशा बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं दूसरों के सामने ये चीज़ ऐसा रखते हैं कि ये बहुत परफेक्ट हैं ये चीज़ जो है ये सिर्फ यही कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता लेकिन रियलिटी ये है कि ये पर्सन इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा मायूस रहते हैं क्योंकि इनके लिए बाहर से दूसरों की वैलिडेशन बहुत मैटर करती है ठीक है और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ना आपका ऐसा कुछ था कि सब कुछ सही होगा लेकिन आपको हमेशा से ऐसा लगता होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ नाराजगी है या कुछ रहस्य आ गया है ठीक है तो हमेशा कोई भी कम्पलीशन फील नहीं होती हमेशा अधूरा अधूरा सा यहाँ पे महसूस होता हुआ दिख रहा है ठीक है यहाँ पे काढ़ा गया है आइसोलेशन हो सकता है आपको दिख रहा हो आइसोलेशन गिल्ट देखो मैंने बोला चाहे ये पर्सन कितना भी शो ऑफ कर ले चाहे ये पर्सन ऊपरी तौर पे कितना भी दिखाएं कि दे आर ओके दे हैव हाँ नथिंग इनसाइड पर मुझे लगता है कि अंदर से ये पर्सन हमेशा से मायूस रहते हैं आपकी सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है और चलती ही जा रही है ठीक है मुझे लगता है कि इमोशंस भी इनके बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं कभी अपने आप को शांत रह के कोशिश करते हैं कि शांत हो जाओ उस बारे में नहीं सोचना गिल्टी फील नहीं करना पर दूसरी ही और मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद से बहुत गु़स्सा हो जाते हैं आपके लिए इनकी बिटर मेमरीज़ जो है इनके सामने आ जाती है तो मुझे लगता है ये जो बिटर स्वीट कार्ड आया है इसीलिए आया है ये बताने के लिए कि कुछ तो ऐसा है जो अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पर आ रहा है रिन्यूअल रिलीज सेल्फ वर्थ ये पर्सन पहले की जो एनर्जी है ना इनकी या पहले की जो आप दोनों की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैं पिक कर रही हूँ जो रिश्ता रहा है एक कोई भी रिश्ता हो किसी के बीच में एक ओवरऑल एनर्जी होती है वही ओवरऑल एनर्जी जो है जो बिटर स्वीट जो आप दोनों के बीच में रहा है जो भी बातें हुई हैं या जो भी एक्शन्स इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा बिटर स्वीट हो गया है उसी चीज़ को ये बार बार अपने आसपास महसूस करते हैं और एक चीज़ और भी यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन ना कभी भी चीज़ों को इतनी आसानी से जाने नहीं देते जब भी आप बात करोगे उनको ऐसा लगेगा कि पुरानी एनर्जी में है हर बार ऐसे नहीं लगता है कि न्यू बिगनिंग हो रही है तो ये पर्सन हमेशा से अकेले अकेले रह रहे हैं इस वक्त इनकी करंट एनर्जी ये बता रही है कि ये खुद को ना अपने आसपास वालों से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर रहे हैं ठीक है कोई चीज़ पहले से ही बुरी चल रही है आसपास वालों को दूर करते जा रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं किसी से बात करना उसकी वजह से और ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है है ना और वो जो मनमुटाव हो रहा है उसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये खुद को गिल्टी मान रहे हैं कि वो ऐसा महसूस भी कर रहे हैं फिर कर भी रहे हैं और उसकी वजह से जो चीज़ें हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है ठीक है पर ये पर्सन बाहर से दे शो एज़ कि वो बिल्कुल ओके हैं पर अंदर से दे आर कम्प्लीटली ब्रोकन इस पर्सन को पुरानी एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है तभी रिन्यूअल और ये जो रिलीज़ है वो एक साथ साथ आया है जब तक ये पर्सन अपने अंदर या अपनी एनर्जी में शिफ्ट नहीं लाएंगे चेंज नहीं लाएंगे, तो मुझे लगता है ये तब तक खुद की वर्थ को दूसरों की आंखों से देखते रहेंगे ठीक है जब तक इनको कोई कुछ बोलता नहीं है कि नहीं यू आर ओके यू आर दिस यू आर दैट इनकी कोई तारीफ करे ना तब इनको लगता है हाँ यार ये कुछ है अदरवाइज मुझे लगता है कि इनको कोई कुछ सच बोल दे या फिर आईना दिखा दे तो ये पर्सन थोड़े से डगमगा जाते हैं और वो डगमगाना गुस्से के रूप में बदल जाता है वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग इंजल्स हमें गाइड कीजिए ये पर्सन चाहते क्या हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं? लेटर यहाँ पे है प्रीस्ट ये पर्सन आपके पास आके आपको बताना चाहते हैं कि ये किस तरीके से आप दोनों के रिश्ते को देखते हैं ये किस तरीके का रिश्ता चाहते हैं ये चाहते हैं जो भी आप उनकी बात को समझो अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं दोनों के बीच में और यहाँ पे आया है मैसेज इसका मतलब ये है कि पर्सन अकेले में आपसे कुछ ऐसी बातों को शेयर करना चाहते हैं जो शायद आप अभी तक नहीं जानते हो ठीक है और ना जानने की वजह से ओके 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 ना जाने की वजह से ना मुझे लगता है कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप ना उनका नज़रिया उनकी सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं हो आप बस चाहते हो बस आपकी सिचुएशन को समझा जाए तो यहाँ पे रिन्यूअल इसलिए नहीं हो रही कंसोलेशन ठीक है यहाँ पे रिन्यूअल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप उनसे कुछ उम्मीद लगा रहे हो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी में है ये पर्सन ना आपसे थोड़ी सी अटेंशन चाहते हैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई डेफिनेटली ये आपसे अटेंशन चाहते हैं और ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप बहुत टाइम से आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि अगर आप इनको थोड़ा सा थोड़ा सॉफ्टली देखोगे या फिर थोड़ा सा इनकी तरफ प्यार दिखाने की कोशिश करोगे वो चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा चेंज होने में मदद करेगी तभी आप दोनों के बीच में यहाँ पे रिन्यूअल हो जाएगा ये पर्सन आपकी तरफ से कोई ना कोई प्यार का नजराना चाहते हैं और यहाँ पे डेथ का कार्ड और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ना दोनों के बीच में जो चुप्पी हुई है उसको ये तोड़ना चाहते हैं डेफिनेटली इनके मन में है कि इस चुप्पी को तोड़ना है दोनों के बीच में जो गैप है एयर का जो गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं अब चाहे वो रास्ता कितना भी डिफ़िकल्ट हो ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर हम इस डिफ़िकल्टी को पार कर गए तो शायद इससे बड़ी डिफ़िकल्टी आगे नहीं आएगी तो उसके लिए ये पर्सन आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इनकी भी बात को समझो इनके दिल में जो इनसिक्योरिटी है इनके दिल में जो ये सोचते हैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखो कि हाँ ये पर्सन भी आपके बिना दुखी हैं तो आप उनकी पर्सपेक्टिव में समझो और इनके साथ कोऑपरेट करो दोनों ही चाहते हो कि दोनों एक दूसरे की बात को समझो यहाँ पे थॉट, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आप उनके माइंड पे हो ठीक है मेलेडी हो सकता है दोनों में से किसी की तबीयत थोड़ी सी आजकल ख़राब चल रही है आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी तबीयत के बारे में पूछो मैसेंजर खुद नहीं बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू या टेलीपैथिकली आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं दे आर नॉट ओके और यहाँ पर प्रेजेंट इसी वजह से ना अपने मन ही मन में ये कैद होके रह गए हैं क्योंकि इनमें क्या है ना जब तक ये अपनी बात को शेयर नहीं करेंगे जब तक आप इनकी बात को सुनोगे नहीं जब तक आप उनको अटेंशन नहीं दोगे ये आपका प्यार चाहते हैं बेसिकली ये भी जकड़े हुए हैं अपने मन की बेड़ियों से ये भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं पहले की तरह थोड़ा सा क्लियर आउट हो जो स्पेस थोड़ा सा साफ हो और दूसरी बात ये कि ये पर्सन आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप अभी भी इनके दिमाग में चल रहे हो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आप अभी भी इनके दिमाग में छाए हुए हो और ये चीज़ आपके पर्सन आपको किसी के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू कोई चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू ये आपको बताना चाहते हैं ये चीज़ बिल्कुल 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 क्लियर है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाइएगा ओके यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी यहाँ पे काढ़ा है विलन प्रोटेस्ट तो आपके पर्सन आपके बारे में कुछ कह रहे हैं अभी आपको बताते हैं लगता है ना कि आपने इनकी बहुत सारी बातें मानी नहीं हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हो ठीक है मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जहाँ पे आप ना ये सोच रहे हैं कि आप इनको बहुत जज करते हो जैसे कि अगर ये बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है या कहीं और है तो इनके मन में हमेशा डर रहता है आपको बोलने से पहले कि आप क्या सोचोगे बहुत बार इनके मन में ये रहता है कि आप वो रीज़न मानोगे ही नहीं वो रीज़न समझोगे ही नहीं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने इनको कोई भी चीज़ बहुत डायरेक्टली बोल दी हो कोई शुगर कोटिंग नहीं कोई प्यार से नहीं जो भी आपने डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया हो देखो इसका रीज़न ये भी है कि आप हर्ट हुए हो दूसरी चीज़ और भी यहाँ पे है कि आप अपने से बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो और आपके पर्सन की चीज़ों में बहुत कम इन्वॉल्व होते हो उनको ऐसा लगता है तो ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ी सी आ, लविंग अटेंशन दो थोड़ा सा इनकी बात को समझो और ये भी समझो कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है दूसरी बात यह है कि आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप इस स्टोरी के विलन हो आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग दिखा दोगे इस पर्सन की तरफ तो शायद इनको समझ भी आ जाएगा और आप इनको जो भी बोलोगे वो चीज़ इनको समझ भी आएगी ठीक है एक चीज़ और भी मैं बोल रही हूँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक बार जो चीज़ मान के बैठ जाते हो ना उस पर अड़ जाते हो और उनके लिए आप सॉफ़्ट नहीं होते हो दूसरी चीज़ और भी है कि बहुत बार आपने अपने दूसरे फ्रेंड्स को तवज्जो दी है और अपने इमोशंस को या ये चीज़ कोई बोल रहे हैं अगर ये आपको मनाने की कोशिश करें आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है इस पर्सन की यहाँ पे ये शिकायत आपकी तरफ दिखाई दे रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है और इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से ना अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है कि वो अगर बात करने भी आएंगे तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप उनको इग्नोर कर दोगे आप शायद भाव नहीं दोगे क्योंकि आप शायद आप, आप लड़ना भी नहीं चाहते इनसे लेकिन आप इनको अवॉइड करोगे सेटिस्फैक्शन डिटैचमेंट ये पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि जब जब ये पुरानी बातों को खुद के दिमाग से निकाल लेते हैं और अपनी एनर्जी को बदलते हैं तब इनको लगता है कि अगर ये अपने आप को पुरानी एनर्जी से बिल्कुल अलग कर लेंगे और वो पुरानी बातें भूल जाएंगे तो शायद 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 आप दोनों के बीच में सब कुछ मन में ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक हो गया है फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है इनके मन में तो ये सोच रहे हैं कि अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करें पर ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आप इनकी लाइफ में आए हो कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा बोल रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में तो आए हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी भी ऐसी है जो आपके पर्सन सहते हैं और सहते सहते वो बहुत कुछ सीख गए हैं ये बोल रहे हैं कि बहुत कुछ सीख गए इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है तो आप सिर्फ एक साइड को मत देखो आपको दोनों साइड देखने की ज़रूरत है तो इनकी कुछ शिकायतें हैं यहाँ पर जो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो पर ये पर्सन बहुत जल्द ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे और बहुत जल्दीबाजी में आने के कारण ऐसा लगता है कि बहुत क्विक एक्शन होगा बहुत क्विक होगा इतना क्विक कि आप जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब होगा और हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में यूनियन ऐसे ही हो जाए विदाउट कुछ ऐसे बात हुए या ऐसे कुछ ना दोबारा से बहुत ज़्यादा मिलने के करीब हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत करीब हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इवोल्यूशन हो रहा है धीरे 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 आप सीख के यहाँ तक आए हो दोनों ही एक दूसरे के लिए लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हो दोनों एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझोगे पर यहाँ पे जो गैप है ना हवा वाला गैप है उसको पहले ख़त्म होने की देर है कि तब आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाओ और अगर चुप्पी का जो ताला है वो टूटेगा तो बातों का सैलाब यहाँ पे शुरू होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बस है ही ये भी नहीं कि आ रही है बस ऑलमोस्ट हो गई है आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल बाय